आदाब दोस्तों, इंटेलिजेंट ट्रैफिक लाइट सिस्टम यानी स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स। स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स का कॉन्सेप्ट जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने लाया और जम्मू में 64 जगहों पर यानी 64 लोकेशंस जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ढूंढी जहां पर इस स्मार्ट ट्रैफिक लाइट सिस्टम को इंस्टॉल किया गया। मकसद ये था कि जम्मू संभाग में, जम्मू रीजन में और ख़ासकर जम्मू सिटी में ट्रैफिक को प्रॉपरली मैनेज किया जाए, क्योंकि आप लोग जानते हैं दरबार मुंह के बाद ट्रैफिक मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपने पिछले 6 महीने लगातार देखा होगा कि ट्रैफिक का कंजेशन ख़ासकर उन पॉइंट्स पर जिन पॉइंट्स पर ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई हैं बहुत ज़्यादा होता है, और ट्रैफिक के कंजेशन में किसी किस्म का कोई फ़र्क इन ट्रैफिक लाइट्स के लगने के बावजूद नहीं आया। आखिरकार वजह क्या है? स्ट्रेट लाइन की टीम ने कोशिश की कि वो वजह जाने, तो हमने जॉइंट कमिश्नर वर्क्स जसपाल सिंह जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में काम करते हैं उनसे हमने बात की। हमने उनसे यही पूछा कि स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स के बावजूद कंजेशन क्यों है और बहुत सारी जगहों पर ट्रैफिक लाइट्स ब्लिंकर मोड पे क्यों मिलती हैं। तो उन्होंने जवाब में ये कहा कि ट्रैफिक लाइट्स को इंस्टॉल करने का काम हमारा, जो कंपनी इस ट्रैफिक लाइट के सिस्टम को देखती है उसका जो दफ्तर है वो भी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर है, लेकिन ट्रैफिक लाइट्स को कैसे रेगुलेट करना है वो रेगुलेशन का सारा काम ट्रैफिक पुलिस के हाथ में है। स्ट्रेट लाइन अब आपको दिखाएगा कि जम्मू कश्मीर की ट्रैफिक पुलिस जो सुबह से लेकर शाम तक सड़कों पर सतर्क रहती है, इस सतर्क ट्रैफिक पुलिस ने जम्मू शहर में इंस्टॉल किए हुए स्मार्ट ट्रैफिक लाइट सिस्टम का क्या हाल कर रखा है। आगे आप अब देखते रहिए और साथ में सुनते भी रहिए कि किस पॉइंट पर ट्रैफिक लाइट्स को ब्लिंकर मोड पर डाला जाता है, और ब्लिंकर मोड पर डालने के साथ साथ में आप ये भी देखेंगे कि कई पॉइंट्स ऐसे हैं जहां ठीक ट्रैफिक लाइट के नीचे लोगों ने स्टॉप बना लिए हैं। देखिए ये नज़ारा। आप ध्यान से देखें, ये पंचतीर्थी के नीचे का चौक है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ट्रैफिक लाइट्स इस वक्त ब्लिंकर मोड पे हैं, और ब्लिंकर मोड पे होने के साथ साथ में आप बिल्कुल देखिए कि ये ट्रैफिक लाइट के खंभे के नीचे पार्किंग है, और ये पार्किंग एक जहाँ पार्किंग हो रही है, दूसरी तरफ आपको मैं ये भी दिखाना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के सतर्क पुलिसकर्मी, ये आप देख सकते हैं बाज़ाब्ता लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये आप ध्यान से देखें पुलिस असिस्टेंस बूथ है ये, और इस पुलिस असिस्टेंस बूथ पर आपको एक भी जवान इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस का नहीं मिल रहा, ना तो कोई ट्रैफिक कर्मी यहाँ पर है जो ये हमें समझा सके कि ब्लिंकर मोड पर डालने के बाद क्या, ब्लिंकर मोड पर जब आप ट्रैफिक लाइट्स को डालते हैं, डालने के बाद क्या उसका मतलब ये है कि अब आप ठीक ट्रैफिक लाइट के नीचे अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, और अगर ये पार्किंग हो रही है तो ये पार्किंग करने कौन दे रहा है। आपने देखा होगा कि पूरे शहर में ट्रैफिक पुलिसकर्मी आम आदमी के ऊपर कैसे झपटते हैं जब वो उसको ट्रैफिक का कोई कानून वायलेट करते हुए देखते हैं, लेकिन ये कमर्शियल गाड़ियां हैं और आप जानते भी हैं कि कई बार ट्रैफिक पुलिस के ऊपर कैसे कैसे इल्ज़ाम कमर्शियल गाड़ियों को लेकर लगते रहे हैं। ये सामने ट्रैफिक का बूथ है और ठीक ट्रैफिक के बूथ के नीचे आपको ये गाड़ी दिख रही है। आप और थोड़ा सा नज़ारा देखें कि आपको असिस्टेंस बूथ पे कोई नहीं मिलेगा, और ये ब्लिंकर मोड पे इस वक्त जो है ट्रैफिक लाइट्स यहाँ रखी गई हैं, और जब हमने पुलिसकर्मियों से समझने की कोशिश की कि ब्लिंकर मोड का क्या मतलब है, तो उन्होंने ये कहा कि ब्लिंकर मोड का मतलब है जहाँ ट्रैफिक बिल्कुल ज़ीरो हो यानी ट्रैफिक कम है, और वहाँ पर रेगुलेशन के लिए लाल बत्ती की ज़रूरत नहीं है तो हम इसको ब्लिंकर मोड पर डालते हैं। तो आप ट्रैफिक देख सकते हैं यहाँ पर कितना है, और क्या इस ट्रैफिक के लिए लाल बत्ती का होना ज़रूरी अनिवार्य है या नहीं। दूसरा, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊँ कि 2012 से जम्मू में ट्रैफिक लाइट्स काम कर रही हैं, यानी 7 साल हो गए, और 7 साल बाद भी जम्मू कश्मीर की ट्रैफिक पुलिस की नालायकी आपके सामने है कि ठीक ट्रैफिक पुलिस बूथ के नीचे आपको यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क हुई मिलेंगी, जबकि कानून ये है कि जहाँ ट्रैफिक पुलिस का बूथ हो, बूथ से कम 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर तक भी पार्किंग के लिए
जगह अगर अवेलेबल भी हो तो आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। लेकिन ये जम्मू है और ये जम्मू कश्मीर की ट्रैफिक पुलिस है जिसकी लाइकी आपके सामने है।